19वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। सत्य शोधक समाज की छतरी के नीचे न्याय व समता की दुनिया का ख्वाब देखने वाले ज्योतिबा फूले इस दुनिया से जा चुके थे, मगर उस दौर में भी समाज जाति व धर्म की बेड़ियों में गहरे तौर पर बंधा हुआ था। उसी वक्त महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी का एक वंशज राजगद्दी पर बैठता है और जब वो देखता है कि शिक्षा से लेकर के नौकरियों में एक ही जाति के लोगों का कब्जा है, तो उसने 20वीं सदी की शुरुआत में 50% आरक्षण दलितों व पिछड़ों के लिए लागू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि वह राजा कौन था जिसे आरक्षण का जनक कहा जाता है, जिसने बंधुआ मजदूरी को अपने राज्य में प्रतिबंधित कर दिया, जिसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कर दिया, जिसने स्कूल बनवाए, हॉस्टल बनवाए, जिसने डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक मदद करने के साथ यह घोषित किया कि वंचितों को उनका एक नया मसीहा मिल गया है। 21वीं सदी के युवा उस राजा के बारे में कितना जानते थे जो राजतंत्र विरोधी विचार रखता था और उसके जहन में लोकतांत्रिक मूल्य पल रहे थे। वह यह घोषित करता है कि जब तक जाति का विनाश नहीं होगा तब तक मनुष्यता स्थापित नहीं होगी, समता व न्याय की दुनिया नहीं बन सकती। आज हम बात करेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज पर। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। अपने राजाओं के किस्से तो बहुत सुने होंगे ना, क्या आप एक ऐसे राजा के बारे में जानते हैं जो राजा होने के बावजूद लोकतांत्रिक विचारों को ज्यादा तवज्जो देता था, जो प्रजा को राजा के विशेषाधिकार के सामने ज्यादा अहमियत देते हुए प्रजा के बीच में जाकर मनुष्यता की बातें करता था। वह विचारों से ही आधुनिक नहीं था, वह अपने व्यवहार व नीतियों को बनाने, आदेशों को जारी करने में भी आधुनिक विचारों से लैस महसूस होता था। नया भारत जब बन रहा था उस दौर में उस नए भारत को समता व न्याय का पाठ पढ़ाने वाला एक राजा जिसे आधुनिक राष्ट्र निर्माताओं की तरह कबूल नहीं किया गया। 21वीं सदी के युवाओं के सामने मैं उस राजा के बारे में सामाजिक न्याय की पाठशाला में आज बात करने जा रहा हूं। उसके दरबार में एक शूद्र अछूत जाति के शख्स काम करते थे, गंगाराम कांबले। गंगाराम कांबले के साथ एक बार उनके ही दरबार के ब्राह्मण लोगों ने अपमानजनक व्यवहार कर दिया, क्योंकि गंगाराम कांबले शूद्र होने के बावजूद तालाब से पानी पी लेते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। जब उस राजा को पता चलता है तो उसने अपने दरबारी गंगाराम कांबले को आर्थिक मदद करके यह कहा कि तुम जाओ और मुख्य चौराहे पर चाय और पानी की दुकान खोलो। गंगाराम कांबले दुकान खोलते हैं और कोल्हापुर का वह राजा उस अपने दलित सेवक गंगाराम कांबले की चाय की दुकान खुलने पर वहां जाकर खुद चाय पीने का फैसला करता है। आज आपको यह बात कोई बहुत बड़ी नहीं लग रही होगी, लेकिन याद करिए 20वीं सदी के शुरुआती दशक में जब जातिवाद चरम पर था उस दौर में यह कितनी बड़ी बात है। उन्होंने गंगाराम कांबले से पूछा कि तुमने अपनी दुकान के बोर्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा है। इस पर कांबले ने कहा कि दुकान के बाहर दुकानदार का नाम और जाति लिखना कोई जरूरी तो नहीं। उस महाराज ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि तुम पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट करके मानोगे। जी हां, वह राजा था छत्रपति शाहू जी महाराज। जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए केवल विचारों में प्रगतिशील होना काफी नहीं है, आपको अपने व्यवहार और जहां मौका मिले जितनी क्षमता हो काम करके दिखाना, नीतियों में दिखाना होगा कि आप सामाजिक न्याय के हितैषी हैं। वरना सामाजिक न्याय की बातें तो वो लोग भी करते हैं जो छत्रपति शाहू जी महाराज के विचारों को कतई नहीं मानते, लेकिन उनकी जन्मतिथि, उनके मृत्यु के दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दोहरा चरित्र अपनाते हैं। 26 जून 1874 को कुनबी जाति, जिसे उत्तर भारत में कुर्मी जाति कहते हैं, जो पिछड़े तबके में आती है, उस जाति में जन्म होता है शाहू जी महाराज का। इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का पौत्र कहा जाता है और आपा साहब घाटगे कागलकर के पुत्र थे छत्रपति शाहू जी।
इनके बचपन का नाम यशवंत राव था। 3 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी माता को खो दिया और 17 मार्च 1884 को कोल्हापुर की रानी आनंदीबाई ने इन्हें गोद ले लिया और इन्हें छत्रपति की उपाधि से विभूषित किया। 2 जुलाई 1894 यानी अपनी जिंदगी के केवल 20 बसंत पूरे करने के बाद कोल्हापुर राज्य की राजगद्दी पर बैठाया जाता है शाहू जी महाराज को। 2 जुलाई 1894 को कोल्हापुर राज्य की बागडोर संभालते हैं। उस समय कोल्हापुर राज्य के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पदों पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिक के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण मौजूद थे। शाहू जी महाराज ने यह देखा और उनके मन में ख्याल आया कि जिनकी आबादी इतनी कम है वह तो सारे पदों पर कब्जा जमाए बैठे, और उस विचार के तहत 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर रियासत में शिक्षा व नौकरियों में पिछड़ों व दलितों को 50% आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया। आरक्षण का पहली बार कोई व्यावहारिक कानून, व्यावहारिक नियम बना करके लागू किए जाने की शुरुआत करने वाले वह राजा थे छत्रपति शाहू जी महाराज। इस बात को सामान्यतः लोग नहीं पचा पाते और लोगों ने नहीं पचाया। जंगे आजादी का वक्त था, भारत आजादी के लिए करवट लेना शुरू कर चुका था, लोग एक नए भारत को बनाने पर आमादा थे, लेकिन उस नए भारत में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जगह क्या होगी, इस पर खुलकर बोलने वाले मुख्य धारा के कथित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता मौन थे। यह वह दौर था जब बाल गंगाधर तिलक यह कहते हुए पाए जाते हैं कि तेली, तंबोली, कुम्हार, लुहार ये विधानसभा में जाकर क्या करेंगे। जातिवाद चरम पर था, लेकिन नए भारत की बुनियाद बनते हुए जो दौर था उसमें सबसे गहरा मनुष्यता का पत्थर अगर किसी ने रोपा तो वह था छत्रपति शाहू जी महाराज। कल्पना करिए कि अगर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए राज दरबार में जगह नहीं है, शिक्षा व नौकरियों में जगह नहीं है, तो वह देश किसका है, वह देश चला कौन रहा था, यह सवाल छत्रपति शाहू जी महाराज पूछते हैं। इस बात का बहुत विरोध किया गया और इस नियम को लागू करने के पीछे छत्रपति शाहू जी महाराज ने बहुत ज्यादा कमिटमेंट दिखाया और जिसका असर यह पड़ा कि 1912 तक आते आते 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या मात्र 35 रह गई थी। न्याय केवल विचारों में नहीं, जमीन पर उतरा हुआ भी तो दिखना चाहिए। 1912 का दौर था जब अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया छत्रपति शाहू जी महाराज ने। 25 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के साथ साथ निःशुल्क करने का आदेश जारी कर देते हैं। शिक्षा सामाजिक न्याय के विचार के केंद्र में है और सामाजिक न्याय के जितने भी वैचारिक पुरोधाओं पर मैं इस पाठशाला में बात कर रहा हूं, आप गौर करिए, उन सब ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। यह पाठशाला आपसे भी अनुरोध करती है कि अगर आप युवा हैं तो अपनी शिक्षा को लेकर सजग होइए, और आप बुजुर्ग हैं तो अपने घर में बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य पर सोचिए, यही सामाजिक न्याय। याद करिए, अपने बच्चों को बताइए कि 25 जुलाई 1917 को एक राजा ऐसा था जिसने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया। आधुनिक भारत की बुनियाद जिन कुछ पिलर्स पे बनी है ना, उन पिलर्स को बनाने वाले कोई ना कोई बहुजन मिलेंगे, सामाजिक न्याय के विचारक मिलेंगे, या उनके ख्याल में सामाजिक न्याय गहरे बैठा होगा। 500 से 1000 की आबादी वाले हर गांव को, हर कस्बे को एक स्कूल देने का फरमान जारी किया छत्रपति शाहू जी महाराज ने। सच सच बताइए कि आप इन तथ्यों को जानते थे। 9 जुलाई 1917 को कोल्हापुर के सभी मंदिरों और देवस्थानों को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया शाहू जी महाराज ने और कहा कि उनकी संपत्ति अब राज्य की संपत्ति होगी, और नए नए पुजारियों को भी वहां घोषित किया गया कि अब मराठा जो गैर ब्राह्मण तबके में आते थे वह भी पुजारी बन सकेंगे। यह था क्रांतिकारी बदलाव छत्रपति शाहू जी महाराज का।
अपनी मृत्यु से 2 साल पहले यानी 1920 में शाहू जी ने नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की बैठक में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने दलित से चाय बनवाकर पी और ऐसा व्यवहार छत्रपति शाहू जी महाराज अपने पूरे जीवन काल में करते रहे। जाति को खत्म करने की बात वो लगातार कहते थे। जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक आप मनुष्यता की दुनिया नहीं बना सकते। 1919 से पहले अछूत कहने जाने वाले समाज के किसी भी सदस्य का इलाज किसी भी अस्पताल में नहीं हो सकता था। 1919 में शाहू जी ने आदेश जारी किया जिसके अनुसार अछूत समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी अस्पताल में जाकर के सम्मान व गरिमा के साथ अपना इलाज करा सकता था। कल्पना करिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनुष्य होने की बुनियादी जरूरतें हैं। और यह वह देश है जम्बू द्वीप आर्यावर्ते भारत खंडे सोने की चिड़िया, जो अपने राज्य में जाति देख करके अस्पतालों में इलाज करवाता था, जाति देख करके शिक्षा देता था। छत्रपति साहू जी महाराज ने अस्पतालों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर जाति के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए। 1919 में ही उन्होंने यह भी फरमान जारी किया कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजों में जाति के आधार पर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दलितों को नौकरियों में जगह देने से लेकर सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों तक को जाति के नाम पर प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ कठोर कदम उठाए। शिक्षा व रोजगार में केवल दलित पिछड़ों को मौका ही नहीं दिया, उन्होंने उनकी गरिमा को सम्मानित तरीके से निभाया जाए इसके लिए कानून बनाए कि अगर कोई छुआछूत या जातिवाद करता हुआ दिखेगा तो उसे गहरी सजा मिलेगी और उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता था। एक बार की बात है, उनके दरबार में यह आरोप सामने आता है कि गैर ब्राह्मण को जो काम करने को दिया गया था वह काम वो अच्छे से नहीं कर पाता। उसका अधिकारी राजा से शिकायत करता है, कहता है कि ये देखिए, इस जाति के लोगों को आपने नौकरी दे दी, यह तो यह काम नहीं कर पा रहा है। छत्रपति शाहू जी महाराज कहते हैं कि इसको ट्रेनिंग देने का काम किसका था? तुम्हारा। इसे ट्रेन करने का काम किसका था? तुम्हारा। यानी तुम ट्रेनिंग देने में फेल हुए, यानी कि तुम निकम्मे हो। और उस अधिकारी जो ब्राह्मण अधिकारी था उसे नौकरी से निकाल दिया और दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया जो उस गैर ब्राह्मण की ट्रेनिंग व्यवस्थित कर पाए। ध्यान से सोचिए, आज हमारे देश में क्या किया जाता है पता है? आरक्षित वर्ग से आने वाले दलित पिछड़ों को शिक्षा व रोजगार में मौका तो दे दिया जाता है क्योंकि मजबूरी है संविधान की, लेकिन उनके लिए बस बात का इंतजार किया जाता है कि कहां वो चूक करें। अगर चूक ना भी करें तो उनमें चूक खोजी जाए और अपमानित करके उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। शाहू जी महाराज ने उन लोगों को नौकरी से निकाला जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आप ट्रेनिंग दीजिए कि ये लोग जिनको कभी मौका नहीं मिला वह भी वह काम को दमदारी से कर सके। इसलिए आपको शाहू जी महाराज के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। 1920 में शाहू जी महाराज ने दलित छात्रों के लिए एक हॉस्टल बनवाया, छात्रावास का निर्माण किया जिसका नाम रखा प्रिंस शिवाजी मराठा फ्री बोर्डिंग हाउस। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हॉस्टल, यह चिंताएं थी उस राजा की। वो राजा नासिक की सभा में कहता है कि एक नेता को दूरदृष्टा होना चाहिए, उसके पास भविष्य का विजन होना चाहिए। जाति का जिंदा रहना पाप है, जब तक हम संपूर्ण रूप से जाति का उन्मूलन नहीं कर देते तब तक यह जाति हम सब की प्रगति में बाधक होगी। जाति को खत्म करने का काम इस समाज के हर तबके को प्राथमिकता में करना होगा। नासिक की सभा में 20 के दशक में जो शाहू जी महाराज यह भाषण दे रहे थे। 1920 में मानगांव की सभा में वह घोषणा करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अब आप वंचितों के नेता होंगे। 3 मई 1920 को कोल्हापुर राज्य में बधुआ व बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध लगा देते हैं शाहू जी महाराज। और पूरे भारत में यह प्रतिबंध कब लगा आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे। 1980 में आकर के बधुआ और बेगारी मजदूरी को रोकने के लिए कानून बनता है। कितना दूरदृष्टि था वह बहुजन राजा जिसके भीतर सामाजिक न्याय का विचार पल रहा था। 11 नवंबर 1920 को एक खास तरह का हिंदू कोड बिल अपने राज्य में पास करते हैं जिसमें मिताक्षरा यानी उत्तराधिकार का मिताक्षरा सिद्धांत था जो याज्ञवल्क्य स्मृति के विज्ञानेश्वर की टीका पर आधारित था।
उस मिताक्षरा न्याय सिद्धांत को खारिज कर देते हैं, जिसके चलते अब संपत्ति और उत्तराधिकार का अधिकार स्त्रियों को भी दिया जा सकता है। हिंदू कोर्ट बिल का यह प्रावधान 1920 में अपने राज्य में लागू करते हैं। 1950-52 में हिंदू कोर्ट बिल लागू न कर देने की वजह से डॉक्टर अंबेडकर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तमाम चुटियाधारी ब्राह्मण लोग हिंदू कोर्ट बिल के खिलाफ जाने क्या क्या किए। कोल्हापुर के महाराज ने अपने राज्य में स्त्रियों को संपत्ति और उत्तराधिकार का अधिकार देने का बिल पास कर दिया था। 4 सितंबर 1921 को डॉक्टर अंबेडकर कोल्हापुर के महाराज को पत्र लिख करके कहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी दैनिक दिनचर्या के लिए आप यहां मुझे कुछ पैसा भेज दीजिए, मैं वापस नौकरी करके आपको आपका पैसा चुका दूंगा। 6 सितंबर 1921 को जवाबी खत के जरिए छत्रपति शाहू जी महाराज डॉक्टर अंबेडकर से कहते हैं कि मैं आपको जरूरत का पूरा खर्चा दे रहा हूं और आप पत्नी जी से भी ये कहिएगा कि उन्हें भी अगर कोई जरूरत पड़े तो बेहिचक हमें बताएं, और लगातार वो डॉक्टर अंबेडकर की मदद करते थे। छत्रपति शाहू जी महाराज ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के बीच की कड़ी मौजूद होते हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज कुर्मी जाति से आते हैं, ओबीसी जाति से आते हैं। मैं ओबीसी जाति के लोगों को बार बार एक बात जोर देकर के कहना चाहता हूं, 21वीं सदी के युवाओं से मैं बार बार यह अपील करता हूं, आपके साथ सबसे ज्यादा नुकसान क्या किया गया पता है? आपको अपने इतिहास से काट दिया गया, आपको पता ही नहीं लगने दिया गया कि ओबीसी जाति के कौन कौन से लोग हुए, उन्होंने क्या क्या काम किए। सच सच बताइएगा, छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में जितनी बातें मैंने बताई क्या आपको ये सारी बातें पता थी? न्याय, समता, शिक्षा, रोजगार, स्कूल, अस्पताल, हॉस्टल, मजदूर, किसान, इनका विचार है सामाजिक न्याय का विचार। और सच सच बताइए, छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में आपको इतना पढ़ने दिया गया? और अगर नहीं पढ़ने दिया गया तो सोचिए इसका अपराधी कौन है, कौन है वो ताकतें जो आपको आपके इतिहास से काट देती हैं? क्या आप न्याय व समता के इन विचारों को जान करके क्या यह नहीं महसूस करेंगे कि हमें अपने बच्चों से डिस्कस करना चाहिए कि छत्रपति शाहू जी महाराज कौन है? कभी लखनऊ जाइएगा, बड़ी सी मूर्ति देखेंगे आप छत्रपति शाहू जी महाराज की। याद करिए, राजनीति में, समाज में, आपके जीवन में पहली बार छत्रपति शाहू जी महाराज का नाम लेने वाला कौन था? कौन थे लोग जिन्होंने इन लोगों से आपको परिचित कराया? वो हैं आपके अपने लोग। जिन लोगों ने इन लोगों से आपको परिचित नहीं होने दिया वो आपके वैचारिक और सांस्कृतिक प्रतिपक्षी हैं, दुश्मन हैं। अपने दुश्मन को पहचानिए, अपने इतिहास को जानिए और पूछिए कि छत्रपति शाहू जी महाराज जैसा एक लोकतांत्रिक आधुनिक राष्ट्र का निर्माता, नव जागरण का मसीहा, क्यों आपको यह बात जानने को नहीं दिया गया कि यह छत्रपति शाहू जी महाराज कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया था? सामाजिक न्याय की पाठशाला आपके बीच में यह काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि यह विचार 150 साल पहले, 100 साल पहले इतना इंपॉर्टेंट था तो आज तो यह और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आरक्षण, स्कूल, हॉस्टल, अगर इन सब का आप लाभ लेते हैं तो आपको एक शख्स को जरूर याद करना चाहिए, वह है छत्रपति शाहू जी महाराज। आपको यह पाठशाला कैसी लगी अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके ख्याल जो भी आ रहे हैं। अगर आप इसे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दिखाइए ताकि आगे कोई ऐसी वीडियो मिले तो आप तक जल्दी पहुंच सके। और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और सामाजिक न्याय की शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।